अल्मोड़ा जिले में सड़कों की हालत खराब है, जिसको लेकर मंगलवार को स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। विधायक का पारा उस समय चढ़ गया जब अधिशासी अभियंता उनको गुमराह करने लगे। विधायक के साथ सैकड़ों कांग्रेसियों ने अधिशासी अभियंता मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा किया। तो जिले में सड़कों की हालत खराब है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। कांग्रेस विधायक ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया, पीडब्ल्यूडी में बैठे अधिकारियों से बातचीत की, उन्हें उनके गलती का एहसास करवाने की कोशिश की कि पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्य होता है कि वो टूटी हुई सड़कों पर ध्यान दे, जहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर कार्रवाई हो, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ विपक्ष में होने के नाते हमारे कर्तव्य बनता है कि हम जनता की बात को उठाएं। इसलिए आप देखिए कि कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं अल्मोड़ा के पीडब्ल्यूडी विभाग में। आप मुझे बताओ उस अभी दो चार दिन का संभावित मौसम का फेज और है, उसके बाद जैसे वो प्लांट सेटअप करता है, जो भी उसकी एसडीबीसी के पैचेस है वो टेकअप कर लिया जाएगा, उसको संबंधित करा दिया जाएगा। इस बीच माननीय विधायक जी ने जैसा निर्देश दिए हैं, तात्कालिक तौर पे जो अब माल रोड है, माल रोड में जो गड्ढे हैं उनका भराने का काम शुरू किया जाएगा आज से ही। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें पिछली सरकार में हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी हैं या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और जो विभाग की जो विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग है उसको तत्काल शासन में भेजा जाए करके इन बातों को लेकर आज घेराव किया गया है।